अधिवेशन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। तो कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के महाधिवेशन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो यहां कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर तारीखों का ऐलान किया है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में महाधिवेशन होगा। 24, 25 और 26 फरवरी को 3 दिवसीय कांग्रेस का महाधिवेशन यहाँ पर होने जा रहा है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, रोजगार को लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसे लेकर इस महाधिवेशन में चर्चा होगी, बातचीत की जाएगी और इस दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इलेक्शन भी होना है। तो कांग्रेस का महाधिवेशन इस बार छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ को मेजबानी का यहाँ पर जिम्मा दिया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से भी काफी बड़ी ये उपलब्धि मानी जा रही है। तारीखों को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस जैसी स्थिति थी। कहीं ना कहीं पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये महाधिवेशन फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है, लेकिन अभी जिस प्रकार से आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में यानी कि 24, 25 और 26 फरवरी को कांग्रेस का महाधिवेशन होगा। ऐसे में इस महाधिवेशन पर कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय से लेकर चर्चा की जाएगी। और चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ में सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये महाधिवेशन होगा, अब तारीखों का ऐलान हो गया है। जी प्रभा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए वर्तमान समय में कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ज्यादा जूझ रही है आरक्षण के मामले को लेकर के, जो पिछले महीने की 2 तारीख से लेकर आज की तारीख तक परेशानी का सबब बना हुआ है, राजभवन में अटका हुआ है। वही दूसरी ओर जो है तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है और जो महाधिवेशन है उसके लिए तारीख तय हो जाती है कि अगले महीने की 3 तारीख है, जो 24, 25, 26 इस दिन यहाँ पे होना है। उसकी तैयारी और उसकी तैयारी भी कांग्रेस को करनी है। तो एक पूरे के पूरे प्रदेश में जहाँ इस सभी इन सारी चीजों को लेकर के एक माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस से इतना बड़ा अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है, और वहीं दूसरी तरफ पर आरक्षण को लेकर के विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा, वहां पर भी गहमा गहमी मची हुई है। ऐसे में जो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया, तारीखें तय की गई कि अगले महीने की फरवरी में 24, 25 और 26 तारीख को कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है। वहां पर जो नई वर्किंग कमेटी होगी उसका इलेक्शन भी होना है, और साथ ही इस महाधिवेशन के दौरान राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी जो सब सुर्खियां है भारत जोड़ो यात्रा, उसके बारे में भी यहां पर काफी चर्चा होने वाली है और एक काफी अहम निर्णय लिया जाना है। तो ये सारी चीजें जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी है उसको दो तरीके से तैयारियां करनी पड़ रही है। एक तरफ से वो पूरे प्रदेश के जो समाज के लोग हैं, फिर आदिवासी समाज से लेकर के हर तरह के समाज के लोग उनको लेकर के, और वहाँ दूसरी तरफ जो महाधिवेशन की तारीखों की जो घोषणा हो गई है उसको लेकर के भी पूरे प्रदेश भर में सारे कार्यकर्ता और सारी चीजों को लेकर के बड़ी तैयारी करनी पड़ रही है। और ऐसे में अगर मैं बताना चाहूँ कि महाधिवेशन जो होगा उसमें क्या कुछ यहाँ पर होगा, तो इस दौरान जो है तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, सोशल जस्टिस, यूथ एजुकेशन और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिसे लेकर इस महाधिवेशन में चर्चा की जानी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका।